नमस्कार हिंदी साहित्य विषयक श्रृंखला में आपका अभिवादन है आज हम एक विशेष विषय विशे पर बातचीत करेंगे विषय है सांस्कृतिक संवेदना और भारत मॉरिशियस संबंध दुनिया के देशों में मॉरिशस एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न देश है एक ऐसा देश जिसे लघु भारत भी कहा जाता है एक द्वीप के रूप में और प्राकृतिक छटाओं से सौंदर्य से वैभव से विभूषित ऐसा देश जहां भारतीय संस्कृति भारतीय साहित्य और उसकी संवेदना यह न केवल मौजूद है उपलब्ध है बल्कि ऐसा लगता है कि मॉरिशस के निवासियों ने उसे आत्मसात भी किया है वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि मॉरिशस विश्व के तालाब में विश्व ताल में खिला हुआ एक छोटा सा कमल द्वीप है कमल हम जानते हैं भारतीय संस्कृति का प्रतीक पुष्प है और इसी कमल की भांति समुद्र विश्वरूपी ताल में या विश्व रूपी समुद्र में वह एक कमल द्वीप की तरह से सुशोभित है आकृष्ट करता है विमुग्ध करता है ऐसा देश जहां चारों ओर चारों तरफ पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं हरियाली है और भारतीय संस्कृति की गंध वहां के नागरिकों के मनोमस्तिष्क में विद्यमान है लगभग 400 वर्ष पहले मॉरिशियस एक निर्जन टापू था ऐसा कहा जाता है कि इसे श्वेत द्वीप तथा मारीच द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता था किंतु उन्नीस में डच जाति के लोगों का आगमन इस टापू पर हुआ तूफानी लहरों में फंसे जहाज ने उन्हें यहां लंगर डालने पर मजबूर किया और इत्तेफाक से उनके एक शासक जिनका नाम मॉरिस नासो उन्हीं के नाम पर यह मॉरिशस नाम पड़ा इस टापू के के नाम को मॉरिशस के रूप में जाना गया कुछ समय के बाद डच लोग वहाँ से चले गए वहाँ की पथरीली ज़मीन घने जंगल उसको देखकर समुद्र से घिरा हुआ एक टापू उसको देखकर वो घबरा गए और डच लोगों के जाने के पांच वर्ष बाद सन उन्नीस में वहाँ फ्रांसीसियों का फ्रेंच कम्युनिटी के जो लोग थे उनका आगमन हुआ उन्होंने इस देश का नाम फ्रांस का द्वीप जिसे इल दे फ्रांस कहा गया यह रख दिया फ्रांसीसी शासकों ने भी मॉरिशस की पथरीली जमीन और घने जंगलों को देखकर हिम्मत हार ली थी किंतु उन्होंने वहां से भागने के स्थान पर एक उपाय सोचा और भारत से कुछ मजदूरों को लोभ लालच देकर रोजी रोटी का धन का जीवन यापन की सुख सुविधाओं का लालच दिया और भारत भारत से उनको मॉरिशस ले गए वो जानते थे कि भारतवासी भारत की मेहनत मशक्कत करने वाले श्रम साधना करने वाले यहाँ के किसान यहाँ के मजदूर वो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं इसलिए उन्होंने दुनिया के अन्य देशों के स्थान पर भारत की ओर ध्यान दिया और यहां से बहुत से मजदूरों को बहुत से मेहनत मशक्कत करने वाले श्रम साधना करने वाले नागरिकों को वो मॉरिशस ले गए कालांतर में अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों के सहयोग से मॉरिशस को जीत लिया अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसी चश्मे का उपयोग किया और भारतीय मज़दूरों को उन्होंने भी भारत से मॉरिशस ले जाना प्रारंभ कर दिया काम के बदले में उन्हें सुबह मुट्ठी भर चावल और शाम को बैल के सोखे हुए भीगे हुए मुट्ठी भर चावल ओढ़ने बिछाने को आकाश और पृथ्वी ये दिया गया ऐसे में कुछ मज़दूर भूख से तड़पकर कर प्राण छोड़ देते थे कुछ दुर्भाग्य की यातना से त्रस्त होकर जीवन से मुक्ति पा लेते थे कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के पहले दस वर्षों में तो मॉरिशियस भारतीयों के लिए कैद खाना था और वास्तव में भारत से निकाले गए कैदियों को वहां भेजा भी जाता था यह एक प्रकार का दंड विधान था उन कैदियों को मॉरिशस ले जाकर वहाँ के देश को टापू को सजाने सवारने का काम और इसके साथ साथ उन्हें इसलिए दंडित करना कि वो धर्म परिवर्तन के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देते थे यही है भारत और मॉरिशस के मनुष्य की मानव की वह करुण गाथा जो दोनों देशों के संबंधों की अविस्मरणीय गाथा बन जाती है यही सब है जो संवेदना के धरातल पर उस देश से भारत को या भारत से उस देश को जोड़ता है कहने की यह भी आवश्यकता नहीं कि भारत और मॉरिशस का संबंध वस्तुतः खून का संबंध है भावनात्मक संबंध है इस रिश्ते के मूल में भारतीय नागरिकों का श्रम उनकी साधना और उनका संकल्प यह भी उद्घाटित होता है यहाँ की भाषा यहाँ की संस्कृति यहाँ की रचना धर्मिता यहाँ के आध्यात्मिक सांस्कृतिक ग्रंथ उनके कथ्य उनके कथानक उनकी वस्तु भारतीय मूल्य परंपरा, ज्ञान परंपरा ये सब मॉरिशस से आत्मा का संबंध जोड़ देते हैं गंगा जल गीता रामायण या इसी प्रकार के महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथ हमारे वेद हमारे उपनिषद आर्य समाज ये सब मॉरिशस को भारत का एक लघु रूप बना देते हैं इन सभी आयामों को हम यदि अलग अलग संदर्भों में देखें तो हमें लगता है वहां जाकर वहां की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेकर ऐसा लगता है कि हम भारत में ही विचरण कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार के जुल्म अत्याचार पीड़ा वेदना दर्द इस गाथा से वहाँ की प्रकृति भी रो उठती है उन अश्रुओं में स्नात भारतीय मजदूरों ने निश्चित रूप से अपने स्वाभिमान को जगाया जीवित रखा संघर्ष किया और धीरे 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 मॉरिशस को एक सुंदर द्वीप के रूप में उन्होंने निर्मित किया उनका आत्मविश्वास उनकी लगन मन को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की उत्कट इच्छा उसने उज्जवल राह प्रशस्त की गुलाम शरीर के भीतर पलने वाले स्वतंत्र मन और हृदय ने अपनी प्राण प्रिय संस्कृति को शिरोधार्य बनाते हुए कोड़ों की मार सहकर भी अत्याचार अनाचार सहकर भी जड़ मॉरिशस को एक फूलों की सुंदर वाटिका का रूप दे दिया उसे विश्व रूपी तालाब में एक कमल रूपी पुष्प की तरह पल्लवित किया और उस सुंदर पुष्प ने दुनिया में अपनी विशिष्ट जगह बना ली उसी के सुपरिणाम हमारे सामने हैं उन्हीं मजदूरों उन पूर्वजों की संतानों ने इस बियाबान टापू को जंगल के रूप में स्थापित उस द्वीप को एक लघु भारत का रूप दे दिया आज भारत और मॉरिशस के मध्य वही संबंध कायम है जो राम और लक्ष्मण के मध्य था एक ऐसा आदर्श संबंध जिसके कायम रहने की हम सभी हृदय से कामना भी करते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत मॉरिशस के इन आत्मिक संबंधों का आधार है भारतीय संस्कृति प्रवासी भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति श्रद्धालु थे और आज भी उसी तरह श्रद्धा अवनत है जब वो मॉरिशस गए या दूसरे अन्य द्वीप जिन्हें हम सूर्य गोयाना, फिजी या इसी प्रकार के अन्य द्वीपों के रूप में देखते हैं भारत का मूल जो भूगोल है वो बहुत विराट विशाल भूगोल रहा है धीरे धीरे उसमें से बहुत से छोटे छोटे द्वीप देश अलग होते चले गए बाली श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान ये तो है ही लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ से जो लोग प्रवास करके दूसरे देशों में गए चाहे गुलाम बनकर गए या किसी अन्य रूप में प्रतिभा का पलायन हुआ या रोजी रोटी की तलाश में उन्हें वहाँ जाना पड़ा उन सब ने वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति की एक वाटिका तैयार की गंगा गंगा जल उन्हें उनके संबल के रूप में उनके आत्मबल के रूप में साथ जाते हुए साथ ले जाते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि वहाँ एक लघु गंगा वाटिका वो तैयार करेंगे और ऐसा उन्होंने किया भी हमारी हमारे मंदिर हमारे पूजा स्थल हमारे धार्मिक ग्रंथ हमारा वैदिक साहित्य हमारी आर्य समाजी परंपरा यह सब भी पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति विदेशों में गई और इसके प्रति वहाँ के नागरिकों के मन में जो मूलतः भारत के ही मूलवासी थे उन सब के मन में इस भारतीय संस्कृति के प्रति एक विलक्षण श्रद्धा एक विलक्षण आदर का भाव पैदा किया इसी कारण वो जब यहाँ से मॉरिशियस या दूसरे ऐसे टापुओं में ऐसे द्वीपों में ले जाए गए तो अपनी संस्कृति और अपने धार्मिक ग्रंथ साथ ले गए उनका आत्मबल उन ग्रंथों से बना रहा दुख में सुख में उन्होंने इन ग्रंथों का पठन वाचन किया श्रवण किया अनुष्ठान किए और रामचरित मानस जो पूरी थकान मिटाने का काम करती है जो मनोबल बढ़ाने का काम करती है जो तमाम तरह के आदर्श चरित्रों की स्थापना करती है लोकनायक राम सीता जगत जननी सीता लक्ष्मण और इसी प्रकार आदर्श राजा आदर्श पिता आदर्श पति आदर्श भाई आदर्श शासक ऐसे तमाम संदर्भों को ध्यान में रखकर रामचरित मानस का दिन भर मेहनत मशक्कत करने के बाद शाम को जब वो स्नान आदि करके भोजन आदि करके ढोल मजीरों के साथ मानस का पाठ करते हैं तो उनकी सारी थकान सारा अवसाद दूर हो जाता है एक आस्था एक विश्वास उनके मनोमस्तिष्क में रामचरित मानस के माध्यम से पुनर्जन्म लेता है गीता और हनुमान चालीसा जैसे पूज्य ग्रंथों की हस्तलिखित या मुद्रित प्रतियां वो अपने साथ लेकर गए ये भारतीय भावना उनके साथ इन ग्रंथों के रूप में गंगा जल के रूप में उन देशों में उन टापुओं में जाकर अपनी जगह बनाती है यह वही संजीवनी थी जिसने उन्हें प्रताड़ना के बाद शोषण के बाद कोड़ों की मार के बाद भी जीना सिखाया संघर्ष करना सिखाया वे सभी शर्त बंद श्रमजीवी थे प्रायः अनपढ़ परंतु कुछ ऐसे भी थे जिन्हें साक्षर कहा जा सकता था उन्होंने ही रामायण की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की और वहां के समाज में भारतीय नागरिकों को वितरण किया उन्हें उपलब्ध कराई आज का स्वतंत्र मॉरिशस इस बात का प्रमाण है कि उन श्रमजीवियों ने अपना पसीना बहाया उस द्वीप को न केवल नंदन कानन बना दिया बल्कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जीवित रखा उसकी मानसिक चेतना को भी समृद्ध किया यातना के उस युग में जब भी उन्हें अवकाश मिला तो वे चुपके चुपके खेतों के बीच में पहाड़ों के बीच में समूह बनाकर आला के छंद पढ़ते रामचरित मानस का पाठ करते चौपाइयों का गायन करते और आनंद विभोर हो उठते विभोर होने का यह भाव ही उन्हें जिंदा रख भी सका इससे यह भी बोध होता है कि भारतीय साहित्य में चाहे धार्मिक ग्रंथ हों साहित्यिक रचनाएं हों सांस्कृतिक बोध कराने वाली रचनाएं हो, भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत कराने वाले वैदिक औपनिषदिक साहित्य हो पौराणिक साहित्य हो इन सब ने जीने की एक ललक पैदा की उनमें एक जिजीविषा पैदा की और उन सब ने इन ग्रंथों से इनके अध्ययन से इनके पठन वाचन आदि के माध्यम से निश्चित रूप से एक ऊर्जा प्राप्त की एक जीवनी शक्ति प्राप्त की और उन तमाम चुनौतियों का संघर्षों का सामना किया और उनसे अपने आप को अपने परिवार को अपने बच्चों को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई उनकी भाषा को रामचरित मानस की सुवास और आला के ओझ से पुष्ट किया गया उन्होंने अपनी भाषा में भोजपुरी भाषा भाषी बहुत से लोग वहां पर विद्यमान हैं बिहार से उत्तर भारत से बहुत से लोगों को वहाँ ले जाया गया स्वाभाविक रूप से उन्होंने इन सब ग्रंथों को जिस शैली में जिस आत्मीयता के साथ पढ़ा गायन किया ओज के साथ उसकी पुष्टि की यह एक विलक्षण उदाहरण हमारे सामने बन जाता है इन प्रवासी भारतीयों का त्याग अपने आप में एक मिसाल एक उदाहरण बन गया निश्चित रूप से जो घर बार देश परिकर परिवार मित्र सबको छोड़कर वहां गए थे इस आशा के साथ कि कुछ समय वहां रहकर धन कमाकर लौटेंगे लेकिन उनके लिए लौटना संभव नहीं हो पाया बैठकों में हिंदी पढ़ाने वाले इन मजदूरों ने अपने बच्चों को राम गति देव सुमति का पाठ पढ़ाया रामचरित मानस के अनेक जो सूत्र सूक्त वाक्य हैं जो सूत्र हैं जो प्रेरक सूत्र हैं जो मूल्यों की स्थापना करने वाली पंक्तियाँ हैं उनका रह रहकर खुद भी पाठ किया उनको पढ़ाया भी परिवार के अन्य सदस्यों से बिछड़कर छूटकर आने वाले इन लोगों ने आपस में मिलकर एक परिवार बना लिया उस परिवार में उन्होंने हवन किए यज्ञ किए और धार्मिक अनुष्ठान किए और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित पुनर्जीवित किया इसीलिए वो सारी सांस्कृतिक परंपरा जिसको हम भारतीय संस्कारों से जोड़कर देखते हैं चाहे विवाह संस्कार हो चाहे जनेऊ संस्कार हो चाहे यज्ञ आदि की परंपरा के अनेक निमित्त हों उन सब का विधिवत अनुपालन किया उन्हें जीवित रखा ढोल मजीरों की पावन और मदमस्त ध्वनि के साथ कीर्तन आदि के साथ नवदा भक्ति के विभिन्न रूपों को आत्मसात करते हुए दुख और वेदना की की आहों में भी लय पैदा की। जीवनी शक्ति पैदा की छंदों और चौपाइयों के गान का अर्थ उन्होंने भोजपुरी में किया ताकि वो अधिकांश भोजपुरी समुदाय के लोगों तक पहुंच सके हम जानते हैं कि रामचरितमानस मूलतः अवधि में लिखी हुई रचना है तुलसीदास द्वारा विरचित यह एक विश्व ग्रंथ के रूप में महाकाव्यात्मक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की धरोहर बनता है आज यही भाषा उनके चरित्र को उद्घाटित भी करती है क्योंकि मूलतः उनकी भाषा भोजपुरी थी और भोजपुरी में जब आ, फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों ने अपनी भाषा को मिलाने का प्रयत्न किया तो भोजपुरी और फ्रांसीसी भाषा दोनों को जब मिलाया गया तो उसका एक मिश्रित रूप क्रियोल भाषा के रूप में वहाँ पर सामने आया वास्तव में भोजपुरी मिश्रित हिंदी ही उनकी संस्कृति की भाषा है उनकी पहचान है उन्होंने उसी हिंदी को अपने घर परिवार में बच्चों के साथ पूर्वजों के साथ अपने बुजुर्गों के साथ संवाद में जीवित रखा अनुष्ठानों में जीवित रखा हिंदी मॉरिशस की न तो राजभाषा है और न ही बाजार भाषा वास्तव में वहाँ तो हिंदी का पोषण ही संस्कृति के नाम पर हुआ है मॉरिशस के प्रसिद्ध कथाकार श्री रामदेव धुरंधर ने यह लिखा भी है कि मॉरिशस ने इतिहास को हिंदी में जिया है हिंदी में ही स्वतंत्रता तक की यात्रा तय की है स्वतंत्रता के बाद अस्मिता की खोज में यहाँ के हिंदी भाषियों और राजनीयों ने हिंदी को ही अपनी अपना संबल बनाया उसका सहारा लिया और इस लंबी दौड़ में हिंदी को कहीं नकारा नहीं गया और यह हिंदी के लिए बहुत बड़ी विजय का उद्घोष भी बना वास्तव में हिंदी ने वहाँ के निवासियों को जो मूलतः भारत के नागरिक थे लेकिन मॉरिशस वासी हो गए उन्होंने बहुत से राजनेताओं के साथ सांस्कृतिक कर्मियों के साथ मिलकर शासकों प्रशासकों के साथ मिलकर निश्चित रूप से हिंदी को आत्मसात किया और तरह तरह की गतिविधियों में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों में हिंदी को ही वो अपना एक मनोबल बढ़ाने वाला संबल या आधार बनाकर आगे बढ़ते रहे यही उनकी विजय का बहुत बड़ा कारण भी बना इसलिए यह कहना संभवतः गलत नहीं होगा कि मॉरिशस में हिंदी के जितने पक्षधर हैं उतने शायद भारत को छोड़कर अन्य किसी दूसरे देश में नहीं है हालांकि फिजी में सूरीनाम में गोयाना में या इसी प्रकार के दूसरे जो टापू हैं द्वीप हैं उनमें हिंदी की स्वीकृति लोक स्वीकृति अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है सौ से अधिक देशों में हिंदी के प्रयोगता हिंदी अब विश्व की दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में जानी जाने लगी है धीरे धीरे यही एक आधार है कि चाहे यूरोप के देश हो इंग्लैंड हो अमेरिका हो कनाडा हो रूस हो इटली हो फ्रांस हो जर्मन हो इन सब देशों में और भारत के आसपास के देशों में हम पाकिस्तान को देखें हम बांग्लादेश को देखें श्रीलंका को देखें बाली को देखें या इसी प्रकार के अन्य देशों को उनमें भी हिंदी निश्चित रूप से बहुत समादृत भाषा के रूप में आत्मसात की जा रही है शिक्षण प्रशिक्षण आदि के तमाम मार्ग वहां पर प्रशस्त किए जा रहे हैं आज मॉरिशस में पांच जातियां एक साथ रहती हैं भारत में भी हम जानते हैं कि अलग अलग धर्म के अलग अलग भाषाओं के अलग अलग राज्यों के लोग मिलकर रहते हैं एक समेकित संस्कृति भारत की हमारे सामने उद्घाटित होती है उसी समेकित संस्कृति को उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम मॉरिशस में भी देख सकते हैं क्योंकि संस्कार भारत से ही मॉरिशस तक पहुंचा है इन पांच जातियों की सांस्कृतिक जो संस्था है सांस्कृतिक जो सम्मेलन है उसका जो संगम है वो विलक्षण है वो दर्शनीय है फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग चीनी यानी चाइना के लोग भारतीय और यूरोपीय अनेक देशों से जो दासों के रूप में गुलाम के रूप में वहाँ पहुँचे थे वो सब वहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं एक मिश्रित संस्कृति का देश मॉरिशस बन जाता है लेकिन उसमें अधिकांश जो प्रतिशत है वो भारतीय संस्कृति के लोगों का है लगभग बावन से पचपन प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं नई वहाँ पर एक नई जाति इन पाँचों जातियों के मिलने से बन जाती है जिसको क्रियोल नामक इन पाँच जातियों के लोगों में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की दिखाई देती है इनमें सगुण ब्रह्म को मानने वाले सभी हिंदू परिवारों के घर के आंगन में बजरंग बली का यानी हनुमान जी का एक मंदिर विद्यमान है पवनसुत हनुमान के रूप में उनकी पूजा होती है मूर्ति का चबूतरा उनके आंगन में सबके स्थापित है घर में घर के आंगन में प्रवेश करते ही वो पहले आ, हनुमान जी के उस चबूतरे पर जाकर प्रणाम करते हैं तब वो घर में प्रवेश लेते हैं इसका मतलब है कि हम ये देख सकते हैं कि जो भारतीय परिवार हैं जो हिंदू परिवार हैं उन सब ने भारतीय संस्कृति को भारतीय धार्मिक उस परंपरा को सांस्कृतिक उस परंपरा को जीवित रखा है और उसके प्रति एक श्रद्धा भाव उनके मनोमस्तिष्क में सतत बना हुआ है आज भी हम उसके लक्षण उसके प्रमाण वहाँ के लोगों के मनोमस्तिष्क में वहाँ के पारिवारिक अनुष्ठानों में वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में वहाँ की शिक्षा दीक्षा में उसे विधिवत देखते हैं है। विद्यालयी शिक्षा हो महाविद्यालयी शिक्षा हो या विश्वविद्यालयी शिक्षा हो उन सब में तमाम तरह के सांस्कृतिक कला केंद्र हों उनमें भी हम देख सकते हैं कि भारतीय है, सांस्कृतिक संवेदना को साहित्यिक संवेदना को वहाँ के निवासियों ने जीवित रखा हुआ है उसके प्रति समादृत भाव बरकरार रखा हुआ है मित्रों इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार